रूस ने जंग में अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है और दावे ये कि उसकी सेना ने दुनेस्क के क्रामतोरस्क शहर में यूक्रेन के 600 सैनिकों को मार गिराया। इसे पुतिन का सबसे बड़ा बदला अब तक बताया जा रहा है, क्योंकि इस साल के शुरुआत में ही यूक्रेन ने 89 रूसी सैनिकों को मार गिराया था, जिसके बाद यूक्रेन ने इस बात का डर जताया था कि पुतिन बदला जरूर लेंगे। और अब रूस जो दावा कर रहा है उसके मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन को एक बड़ा घाव दिया है। उन्होंने अपने 89 सैनिकों का मौत का ऐसा इंतकाम लिया कि पूरा का पूरा यूक्रेन कांप जाए। पुतिन की सेना ने डोनेस्क के क्रामतोरस्क शहर में यूक्रेन के एक ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। रूस के मुताबिक उसके मिसाइल हमले में यूक्रेन के 600 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों की संख्या में जेलेंस्की के सैनिक घायल भी हो गए। हालांकि रूस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उसने यूक्रेन पर यह हमला कब किया और न ही क्रामतोरस्क में यूक्रेन के ठिकाने पर हमले का कोई वीडियो सामने आया, लेकिन रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 600 सैनिकों को मार गिराया है और इसके लिए उसकी सेना के खुफिया विभाग ने यूक्रेन के ठिकाने के बारे में सटीक जानकारी दी थी, जिसकी मदद से रूस ने मिसाइल हमला किया और उस इमारत को उड़ा दिया जिसमें यूक्रेन के सैनिक रह रहे थे। रूस के मुताबिक क्रामतोरस्क शहर में यूक्रेन ने 2 इमारतों में अपने सैनिकों को रखा था। इन इमारतों में यूक्रेन ने बड़ी संख्या में हथियार भी रखे थे। रूस ने दावा किया कि उन दोनों इमारतों में यूक्रेन के 1300 सैनिक मौजूद थे और रूस के मिसाइल हमले ने उनमें आधे सैनिकों को ढेर कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को सिरे से नकार दिया। यूक्रेन ने 600 सैनिकों को मार गिराने के रूस के दावे को प्रोपेगेंडा बताया, ताकि यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल कम किया जा सके। यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना ने नए साल पर डोनेस्क के मकीवका शहर में रूस के 400 सैनिकों को मारा था, लेकिन रूस उसका बदला नहीं ले पाया तो वो यूक्रेन के 600 सैनिकों के खात्मे का झूठ फैला रहा है और इसी वजह से रूस के इस हमले का कोई सबूत तक नहीं है। हालांकि इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया। रूस ने ये नहीं बताया कि जिस हमले का उसने वीडियो जारी किया वो क्रामतोरस्क शहर का है या फिर नहीं, लेकिन उसने ये दावा जरूर किया कि यूक्रेन पर इस बार उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मोर्टर से धावा बोला। मोर्टर से हमले के बाद वीडियो में एक जगह पर जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाका इतना जोरदार था कि वहां से धुएं का गुबार उठता नजर आया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके खतरनाक मोर्टर से दागे गए गोले ने कुछ ही सेकंड में यूक्रेन के बेस को तबाह कर दिया। रूस के मुताबिक उसने यह हमला 2S4 चुल्पान मोर्टर से किया, जिससे निकला गोला 20 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से खत्म कर सकता है। इस मोर्टर में एक साथ 20 गोले लोड किए जा सकते हैं और ये मोर्टर हर एक मिनट में 130 किलो वजन का एक गोला दाग सकता है, जो दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी होता है, क्योंकि जिस मोर्टर का रूस ने इस्तेमाल किया उसे दुनिया का सबसे बड़ा मोर्टर माना जाता है, जिसने यूक्रेन की सेना के बेस को ध्वस्त कर दिया। रूस के मुताबिक यूक्रेन के बेस पर नजर रखने के लिए उसने ड्रोन का सहारा लिया और एक बार जब ये तय हो गया कि वहाँ बड़ी संख्या में यूक्रेन ने सैनिक और गोला बारूद रखे हैं, तो उसने 2S4 चुल्पान मोर्टर से गोला दाग दिया। रूस ने दावा किया कि हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए, जबकि उसकी कई बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो गई। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को भी नकार दिया। यूक्रेन के मुताबिक इसकी सेना के किसी भी बेस पर पिछले कुछ दिनों में एक भी हमला नहीं हुआ,